वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सिर्फ अभिषेक भी नहीं किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है R15M 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है, नया जो कलर आया है वो वाला कलर है, ठीक है। सो वन बाय वन करके सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देंगे आज आपको इसका, ठीक है। सो भाई इसका ना कंप्लीट यहाँ से फेंडर जो है पहले ब्लू कलर का आता था बट अभी ब्लैक कलर का कर दिया है। R15M क्यूक शिफ्टर की ब्रांडिंग कर दी गई है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है यार, बहुत सेक्सी लग रही है गाड़ी देखने में, ठीक है। 2,40,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। इन जयपुर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ठीक है, टॉप मॉडल है ये कम्प्लीटली, क्यूक शिफ्टर के साथ आता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बताते हैं अभी आपको वन बाय वन करके। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रंट में आपको ना यहाँ पे 17-inch अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पर टायर आपको देखने के लिए मिलता है, 100x80 सेक्शन का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है फ्रंट के अंदर बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ, और बहुत ही शाइन मार रही है भाई गाड़ी कम्प्लीटली, और काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे देखने में। यहाँ में कि आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी फ्रंट के अंदर, और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। KYB के आपको अपसाइड डाउन फोर सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। फ्रंट से बात करूँ तो यार कम्प्लीटली यहाँ पे जो है मैट फिनिश में यामा लिखा हुआ है, ठीक है। मैट कलर के अंदर ये स्टिकर लगा रखा है फ्रंट का, ऐसे कुछ आपको DRL देखने के लिए मिलती है इसके फ्रंट के अंदर, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है बीच के अंदर, ठीक है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो कंप्लीट LED कर दिए गए इंडिकेटर्स। R15M क्यूक शिफ्टर की इस ब्रांडिंग के साथ आता है, क्यूक शिफ्टर है क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे जो है यामा की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की। सो इसका मीटर जो है वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे जो है कीज़ जो आती है वो ऐसी कुछ आती है यामा की, जो हर बाइक के अंदर आती है कीज़, वही यामा की इसके अंदर कीज़ आती है। और इसकी जो है कम्प्लीटली आपको कलर्ड TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी भाई कलरफुल है, काफ़ी अच्छा दिखता है देखने में, और यहाँ से आप कम्प्लीटली इसको ऑपरेट कर सकते हो। ट्रैक और स्ट्रीट दो तरह के आपको मोड देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे जो है हज़ार लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यामाहा कनेक्ट भी आता है इसके अंदर, आप अपना फ़ोन जो है वो बाइक से कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में जो भी कॉल्स नोटिफिकेशन वगैरह रहेगी वो यहाँ शो होगी। दो तरह के मोड आते हैं ट्रैक और स्ट्रीट। TCS भी है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, डुअल चैनल ABS है बाइक, आगे पीछे दोनों तरफ ABS आपको देखने के लिए मिल जाएगा। R15M की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी शॉकर्स के ऊपर। यहाँ पर आपको 3D लोगो देखने के लिए मिल जाएगा कम्प्लीटली R15M का। यहाँ पे आपको इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया फ़ोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट भी है इसके अंदर। यहाँ पे ग्राफिक्स कर रखे हैं छोटे छोटे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। 3D लोगोस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यामा के यहाँ पे, और यहाँ पे जो है R15M क्यूक शिफ्टर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है विथ 6-speed गेयरबॉक्स। CC इजिकल्स टू टॉप स्पीड आती है इसके अंदर, 155 की टॉप स्पीड आती है इसके अंदर। बाइक की भाई परफॉर्मेंस में कोई भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता इस सेगमेंट के अंदर। ये कोई भी आप बाइक ले आओ अपनी फेवरेट इस सेगमेंट के अंदर, उसको हरा के दिखा देगी R15M। इस तरीके की बाइक है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यूक शिफ्टर की आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्यूक शिफ्टर जो है इसमें ब्रांडिंग भी कर रखी है यहाँ पे क्यूक शिफ्टर की। यहाँ पे आपको क्यूक शिफ्टर देखने के लिए मिल जाएगा अपसाइड डाउन फोर सिस्टम, सॉरी सारे अप, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ सारे अप और बाकी सारे डाउन, ठीक है। वन डाउन, बाकी सारे अप इसमें गियर सिस्टम है। और ऑटो ब्लीपर नहीं है यार, आप डाउन करने के लिए क्लच दबाना ही पड़ेगा आपको। अप शिफ्ट करने के लिए आप बिना क्लच दबाए अप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे आपको शॉकर देखने के लिए मिल जाएगा, मोनोसॉक सस्पेंशन जो होते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट लेदर कार्बन फिनिश की टाइप स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाएगी सीट्स के ऊपर, R15M के ब्रांडिंग के साथ में। यहाँ पे VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। VVA काफ़ी अच्छी मदद करता है यार टॉप एंड इंक्रीज़ करने में इसका, और माइलेज को भी मेंटेन करके रखता है। जैसे 6,000 RPM नीचे चलती है गाड़ी तो माइलेज अच्छा चलती है गाड़ी के अंदर, और जैसे ही अगर आप है ना मतलब इसके टॉप इस परफॉर्मेंस के लिए जाओगे 7,000 RPM से ऊपर, तो वो और भी मतलब आपको जो है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल निकाल के दे देगी। यहाँ पे पीछे की शॉकर्स की साइलेंसर की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको पीछे का एग्जॉस्ट नोट देखने के लिए मिल जाएगा कम्प्लीटली। और यहाँ पर जो है ये फ्यूल लीड लगा रखा है पीछे के कैलिबर के लिए। 17-inch का आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ भी। 3.5mm डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है टायर सेक्शन भी मैं बता देता हूँ, 140x70 सेक्शन का टायर आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे बात करूँ बैकलाइट की तो ऐसे कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिलती है, और इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हगर जो है वो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। स्विंग आर्म जो है इसके अंदर कम्प्लीटली एलुमिनियम का आता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बहुत ही शानदार बाइक है यार। 155 इसकी टॉप स्पीड है, 55-60 KMPL तक का ये माइलेज दे देती है, और क्या चाहिए यार, मतलब भाई बेस्ट है इन सेगमेंट, ठीक है। बस ये है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा सकते क्योंकि आपके बैक में पेन होने लग जाएगा। ये वो वाली बाइक है भाई कि आप ट्रैक के लिए ले जाओ, और आपको अगर बिल्कुल इंथोस्टिक हो ना आप बाइक को लेके, समझ रहे हो आप में बिल्कुल ही कीड़ा है बाइक को लेके, आपको बहुत अच्छी लगती है बाइक्स वगैरह का शौक है, तो आप इसके लिए जाओ क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है थोड़ी सी।
240,000 है और यही सारी चीज़ें आपको जो है कम्प्लीटली R15 V4 में देखने के लिए मिल जाएगी। बस ये थोड़ा सा टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, इसलिए इसके कलर के पैसे हैं, प्राइस के पैसे, मतलब हर चीज़ के पैसे हैं यार इसके, समझ रहे हो आप। बाकी ये भी वही वाला मॉडल है कम्प्लीटली, इंजन सेम ही है दोनों के अंदर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी हो यामा से रिलेटेड तो मेरे चैनल पे आके देख लेना, मैंने अपलोड कर रखी है।